उधर गणतंत्र दिवस के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने यहां पर खतरे को भांपते हुए खालिस्तानी आतंकवादियों के पोस्टर भी जारी कर दिए हैं। इस वक्त मैं कनॉट प्लेस के इनर सर्कल पर मौजूद हूं, जहां पर शो में देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस द्वारा कई पोस्टर जो है आतंकियों के यहां पर लगाए गए हैं, जिस पर लिखा हुआ है कि आतंकवादी जिनकी दिल्ली पुलिस को तलाश है। देख सकते हैं नाम रंजीत सिंह खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, परमजीत सिंह खालिस्तान कमांडो फोर्स। इसी तरह से कई आतंकवादियों की फ़ोटो जो है वो पुलिस द्वारा लगाई गई है और कहा गया है कि इन्हें देखने पर तुरंत पुलिस को जानकारी दी जाए। इस तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भब्बर खालसा के जो आतंकी हैं उनकी पोस्टर्स जो हैं वो लगाए गए हैं। इंडिया गेट पर होने वाली परेड को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने 4 मेट्रो स्टेशन को दोपहर 12 बजे तक बंद रखने के निर्देश दिए। 26 जनवरी के मौके पर सुरक्षा कारणों को देखते हुए डीएमआरसी की तरफ से भी ठोस कदम उठाए गए हैं। दिल्ली के 4 मेट्रो स्टेशन जो हैं वो 26 जनवरी को दोपहर 12 बजे तक बंद रहने वाले हैं, जिसमें केंद्रीय सचिवालय, उद्योग भवन, पटेल चौक और लोक कल्याण मेट्रो स्टेशन है। 26 जनवरी दोपहर 12 बजे तक ये मेट्रो स्टेशन जो है वो बंद रहेंगे। केंद्रीय सचिवालय पर ट्रेन बदलने की सुविधा जो है वो उपलब्ध रहेगी। पार्किंग जो है पूरी दिल्ली में मेट्रो स्टेशन की वो दोपहर 2 बजे तक जो है बंद रहने वाली, जो साफ है। जिस तरह से लगातार अलर्ट मिल रहे हैं उसको देखते हुए जहां एक तरफ सुरक्षा एजेंसी ने पूरी तरह से कमर कस ली। उधर दिल्ली के रफी मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है, बैरिकेडिंग लगाई गई है, साथ ही सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद इंतजाम इस रास्ते पर भी किए गए हैं। इस वक्त मौजूद रफी मार्ग पर जहां पर में देख सकते हैं कि रात 11 बजे से यहां पर ट्रैफिक की आवाजाही को पूरी तरह से रोक दिया गया है, बैरिकेडिंग जो है वो कर दी गई है। इसी तरह से परेड के रूट पर आने वाले सभी रास्ते जो हैं उन्हें बंद कर दिया गया है रात 11 बजे से, और किसी भी शख्स को वहां पर जाने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही। आप देख सकते हैं यहां पर दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान जो हैं वो आपको तैनात नजर आएंगे। इस बार कोविड काल के चलते सुरक्षा के लिए खास तकनीक का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है, जिसके चलते FRS कैमरों का इस्तेमाल जो है वो किया गया है। दिल्ली के ITO पर किसानों के ट्रैक्टर परेड को देखते हुए सीमेंट की दीवारों से बैरिकेडिंग की गई। इस वक्त मौजूद हूँ ITO पर, जहां आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान जो हैं वो यहां पर आपको तैनात हुए नजर आएंगे, और साथ ही आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहां पर दिल्ली पुलिस द्वारा जो है सीमेंट बॉक्सेस लगाए गए हैं, उनकी एक बड़ी दीवार जो है यहाँ पर बनाई गई है। जिस तरह से बात की जाए तो किसान आंदोलन को लेकर लगातार सुरक्षा एजेंसी को अलर्ट मिल रहे थे, उसको देखते हुए दिल्ली पुलिस ने एहतियातन कदम उठाते हुए इस दीवार को बनाया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि अगर कोई भी किसान यहां पर नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में अंदर प्रवेश करने की कोशिश करेगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। राफेल वाला संयोग, ट्रैक्टर वाला प्रयोग, जमीन से आसमान तक राजपथ की भव्य कवरेज, 26 जनवरी स्पेशल जल थल वायु सेना के साथ जय हिंद। 100 कैमरों से गणतंत्र दिवस सुबह 6 बजे से लगातार TV9 भारतवर्ष पर।